पढ़ी प्रदीप पटेल। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भी जीतेंगे, विधानसभा के प्रत्याशी जीतेंगे, लोकसभा में अब की बार 400 पार, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और मध्य प्रदेश में हमारे उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, पूरे प्रदेश में उड़ीसा प्रदेश में एक जनता के बीच में अच्छी लहर चल रही बीजेपी के बारे में, अच्छा माहौल है, लोग बदलना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। आप मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, नवीन पटनायक जगन्नाथ मंदिर का आपका प्रार्थी जगन्नाथ को भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जगन्नाथ भगवान के जो मंदिर हैं, उस मंदिर के जो द्वार खुले हैं, बंद कर दिया है पटनायक सरकार ने, उस द्वार को खुलवाना है, और जिसकी चाबी गुम गई हजारों हजार लाखों साल से, वो रत्न भंडार में चाबी थी, और के अभी कैसे गुम गई, और गुम गई तो अभी तक क्यों नहीं खुला, ये सब गोलमाल है। और ऐसा ही नहीं, केवल एक जगन्नाथ भगवान के मंदिर भर का घोटाला नहीं है, ये हजार इस पूरे प्रदेश में 25 साल में सैकड़ों घोटाले, सैकड़ों नहीं बल्कि हम कह सकते हैं हजारों घोटाले। हम जहाँ पे बैठे हैं कुरई में, ये कुरई में जो बीजेडी का कैंडिडेट है, वो एक महिला है, उनके बॉबी दास जो है उनकी माँ चुनाव लड़ रही है, बॉबी दास के घोटाले सब जानते हैं, एफिडेविट में उन्हें बोला है कि मैं 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ, ये संभव है, माँ कमाओ में घोषणा कर रही हूँ और वो बता रहे मैं 2.5 लाख कमाता हूँ, यहाँ पे डेवलपमेंट जो है पूरा का पूरा जजपुर में किया, और ये कोरई को कोई डेवलपमेंट नहीं, हमारी हर चीज़ यहाँ से चली गई, सबसे बड़ा और होटल आप यहाँ खुलवा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सब तरफ से विकास होगा, रेलवे का भी विकास होगा, और क्षेत्र का विकास होगा, रोड का विकास होगा, हर चीज़ का विकास होगा, और महिलाओं के लिए डेवलपमेंट के लिए भी विकास होगा, जो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल्पना थी, वो SHG ग्रुप को भी खड़ा करने का काम है और सशक्त करने का काम है। 50,000 रुपये का ये जो महिलाओं के लिए कार्ड दिया गया है वो बहुत ज़रूरी है, उनके ज़रूरत के जो खर्चे हैं उससे हो सकेंगे। यहाँ पे खेत है मगर पानी नहीं है, यहाँ पे अस्पताल है मगर डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे स्कूल है मगर मास्टर नहीं है, ये डेवलपमेंट है, ये विकास है। 15-15 साल के, 14-14 साल के छोटे छोटे बच्चों को नशे की आदत डाली जा रही है, ये यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को नशे की आदत डालने का काम उड़ीसा की गवर्नमेंट कर रही है, उसका जिम्मेवार यहाँ के BJD के नेता हैं, इन लोगों ने यूथ को बर्बाद किया है, यहाँ के यूथ को बर्बाद किया है, सबको नशे की आदत में डाल दिया है, कोई इसलिए कोई पढ़ाई का, इसलिए स्कूल ऊपर से रंग लगा दिया, अंदर से मास्टर गायब, ऊपर से अस्पताल का रंग लगा दिया, डॉक्टर गायब, खेत में पानी नहीं, एक फसल होती है उड़ीसा में, केवल एक फसल होती है, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाया, जो इंडस्ट्री थी भी जूट मिल थी वो बंद कर दिया, जितना भी है कैसे करेंगे, यहाँ के लोग क्या करेंगे, सबको नशे की आदत में डाल करके और बर्बाद कर रहे हैं ये 25 साल के उड़ीसा की सरकार ने, ये BJD की सरकार ने इस क्षेत्र इस प्रदेश का बंटाधार किया है, युवाओं को बर्बाद किया है, युवाओं को बेरोजगार किया है, महिलाओं से लेकर डेवलपमेंट से लेकर स्कूल अस्पताल सब कुछ सिस्टम खत्म किया है, इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है, उड़ीसा की जनता, ग्रामीण जनता, नगरी जनता, सब लोग परिवर्तन चाहते हैं और ये परिवर्तन हो के रहेगा। जजपुर जिले में लोकसभा भी जीतेंगे, जजपुर की 7 विधानसभा हम जीत रहे हैं, पूरा क्लियर कट जीत रहे हैं, आप जनता के बीच में जाइए सर्वे करिए सब ने। अभी कल बीजू पटनायक जी यहाँ पर आए थे, ये इस कुरई में पटनायक जी, कल नवीन पटनायक जी यहाँ पर आए थे तो इस जिले के संख्या कम थी और पूरा अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट की आबादी थी, दूर दूर से दूसरे दूसरे जिले को लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या ये
आपके पास एक फिक्स पब्लिक है, उसी को आप भुवनेश्वर में दिखा दो, उसी को आप कुरई में दिखा दो, उसी को आप कहीं दिखा दो, उतने ही लोगों को ले जाना है। ये इनका पूरा जनाधार खत्म हो चुका है और इसलिए इस बार परिवर्तन होगा, सरकार भाजपा की बनेगी।